हाय एवरीवन, वेलकम टू मेडिकल लैटिस। आज हम नम्स एमडीकैट केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नम्स केमिस्ट्री मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास व्हाट इज द नेम ऑफ द अबव गिवन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर दी गई थी, उसका हमने नेम बताना था, तो वो स्ट्रक्चर थी हमारे पास ग्लूटामिक एसिड की। तो आप अगर बुक में कार्बोक्सिलिक एसिड के चैप्टर में जाएंगे तो एंड पर जो हमारे पास अमाइनो एसिड का टॉपिक है उसमें एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें तमाम अमाइनो एसिड्स, उनके स्ट्रक्चर्स और उनके आईयूपीएसी नेम्स गिवन है। तो उसमें हमारे पास ग्लूटामिक एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसको अच्छे तरीके से आप रीड कर लें और उसका आईयूपीएसी नेम है उसका कॉमन नेम भी रीड कर लें। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास के विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। नीचे दिए गए में से कौन सा सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है? तो हमारे पास ग्लाइसिन ही एक सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है नीचे दिए गए में से। डेल्टा इज राइट, ग्लाइसिन। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज नाइलॉन 66। तो पॉलीअमाइड को नाइलॉन 66 कहते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास Which of the following is an exact composition of carbohydrate? तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यह हमारे पास एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग नाइट्रोजन बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। यूरासिल डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती बल्कि थायमाइन, यूरासिल की बजाय थायमाइन प्रेजेंट होता है हमारे पास डीएनए में। लेकिन अभी के लिए ये पूछा हुआ है कि कौन सी चीज नहीं प्रेजेंट होती, तो यूरासिल जो आरएनए में प्रेजेंट होती है वो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट मोस्ट रिपीटेड है कि इन द वुडी पार्ट्स ऑफ ट्रीज द परसेंटेज ऑफ सेल्यूलोज इज 100%। देन है चूज द राइट मॉलिक्यूल। तो हमारे पास NH3 नीचे दिए गए में से राइट मॉलिक्यूल है। यहाँ भी कोई स्ट्रक्चर गिवन थी जिसका हमने नेम बताना था कि ये NH3 है। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिकेट द नेम ऑफ द अबव गिवन स्ट्रक्चर। फिर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर गिवन थी PVA पॉलीविनाइल एसीटेट की दी थी स्ट्रक्चर, तो हमें उसका नेम बताना था कि ये PVA इसका राइट नेम है। देन है हमारे पास कि इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एन अननोन कंपाउंड वाज एडेड टू टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग आयोडीन, द कलर बिकम इंटेंस ब्लू, व्हाट कलर बी अननोन कंपाउंड इज स्टार्च। स्टार्च इज द कलर कुड बी अननोन कंपाउंड हमारे पास है, जिसको आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास ब्लू कलर बिकम ब्लू कलर। देन हमारे पास है कि ओजोन कंसेंट्रेशन मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट। डॉप्सन यूनिट के अंदर हम ओजोन की कंसेंट्रेशन को मेजर करते हैं। देन नेक्स्ट है द गैस विच इज मेनली प्रोड्यूस्ड इन लैंडफिल्स फ्रॉम द वेस्ट इज CH4। जो हमारे पास CH4 है, इसको हम प्रोड्यूस इन लैंडफिल फ्रॉम द वेस्ट। ये अगर आप ये क्वेश्चन छोड़ना भी चाहें तो इन्वायरमेंट वाला ओजोन एंड ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास ये आप छोड़ना भी चाहें क्योंकि ये हमारे पास चैप्टर ही नहीं गिवन सिलेबस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास द स्ट्रक्चर द सब्सटेंस फॉर द सेपरेशन ऑफ आइसोटॉप्स इज फर्स्टली कन्वर्टेड इनटू द वेपर स्टेट्स। हमारे पास बीटा इज राइट। नेक्स्ट एमसीक्यू है द नंबर ऑफ मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड विच कंटेन 8.00 ग्रामेज ऑफ ऑक्सीजन इज 0.25 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज are only forces present among the atoms of helium in gaseous state at high temperature. हमारा right answer है Charlie। Next है electrical conductivity of graphite is greater in one direction than in other due to an isotropy. हमारा right answer है। Number of neutron in zinc हमारे पास will be। ये जो हमारे पास जिंक दिया गया है इसका एटॉमिक नंबर भी हमें गिवन दिया गया है, तो हमें उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताने हैं। तो 36 न्यूट्रॉन्स हमारे पास जिंक में प्रेजेंट होते हैं। देन द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला। तो हमारे पास 2N2 हमारे पास फॉर्मूला है जिसको हम यूज करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल, 1 पाई एंड 5 सिग्मा बॉन्ड्स। यहाँ पे गिवन कोई स्ट्रक्चर दी गई थी या कोई फॉर्मूला गिवन था जिसका हमें बताना था कि 1 पाई एंड 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं। देन नेक्स्ट है कि हमारे पास 12H2 और AH, ये हमारे पास एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अगर आप थर्मोकेमिस्ट्री में जाएंगे तो वहां पर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का जो टॉपिक है उसमें ये हमारे पास एग्जांपल H2 की हमारे पास हाइड्रोजन की एक इक्वेशन दी गई है, वही पूछी हुई है हमारे पास सेम टू सेम पेपर में। ये यूएचएस में भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज आया हुआ है कई मरतबा, एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन। देन नेक्स्ट है एमजी जो हमारे पास, ये अगर आप जाएंगे एंथैल्पी में तो वहां पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का टॉपिक देखेंगे तो उसमें ये एमजीओ की हमारे पास एक इक्वेशन रिएक्शन गिवन है, तो वही हमारा राइट आंसर है हमारा, यानी कि डेल्टा H नॉट F को यानी कि फॉर्मेशन। तो ये हमारे पास एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की हमारे पास इक्वेशन या एग्जांपल है। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू था हमारे पास कि द फ्रीजिंग पॉइंट विल ऑल्सो बी डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच इट्स सॉलिड एंड लिक्विड फेज हैव द सेम वेपर प्रेशर। देन नेक्स्ट है व्हाट मास ऑफ NaOH इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो 20 ग्राम इज प्रेजेंट इन NaOH इज प्रेजेंट इन 0.5 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन नेक्स्ट है द डायग्राम शो अ गैल्वेनिक सेल, द करंट विल फ्लो फ्रॉम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड। तो आपको ये गैल्वेनिक सेल की भी हमारे पास एक डायग्राम गिवन थी, लेकिन आप इसको बस इतना ही याद कर रख सकते हैं कि द करंट विल फ्लो इन गैल्वेनिक सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स टू कॉपर इलेक्ट्रोड्स। देन नेक्स्ट है स्टडी ऑफ विडॉक्स रिएक्शन हमारे पास गिवन दिया गया था, तो हमें इसका राइट आंसर बताना था, तो हमारा इसमें राइट आंसर डेल्टा है। देन नेक्स्ट है ह्यूमन ब्लड मेंटेन इट्स पीएच 7.35 टू 7.40, ये हमारे पास लास्ट ईयर नम्स के क्वेश्चन 2022 के पेपर में भी ये ह्यूमन ब्लड की पीएच पूछी गई थी पेपर में। देन नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ KSP फॉर PB SO4 सिस्टम एट 25 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁸ मोल डेसीमीटर -6 हमारे पास राइट आंसर है। नेक्स्ट है 2A+B product if the reactant B is in excess, the order of reaction with respect to A in given weight law. Weight is equal to constant A square A to B is, ये हमारे पास second order reaction, ये भी हमारे पास अगर आप फेडरर की बुक में देखें तो उसमें हमारे पास ये reaction given है, तो हमारे पास second order reaction इसका right answer बनता है। देन नेक्स्ट है द वेट कांस्टेंट को K से रिप्रेजेंट करते हैं 0.693 मिनट, द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विल बी 1 मिनट ही होगी, अल्फा इज वाइट। ये भी यूएचएस में भी कई मरतबा ये एमसी गुजार चुका हुआ है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 1A बिकॉज एटम्स ऑफ 2A एलिमेंट प्रोवाइड 2 बाइंडिंग एनर्जी, तो हमारे पास ये राइट आंसर। द आयनिक रेडियस ऑफ फ्लोराइड आयन इज 1.36 pm, तो ये हमारे पास अगर आप सेकेंड ईयर की बुक में ही अगर आप देखें तो हमारे पास वहां पे आयनिक रेडियस बताया गया है फ्लोराइड आयन का, तो वो हमारे पास 136 pm है। देन 2NaOH + Cl2NaCl + NaClO + H2O proceeds at 15 degree Celsius हमारा राइट आंसर है। Which halogen molecule X2 has lowest dissociation energy? F2 has lowest dissociation energy। देन नेक्स्ट है हमारे पास कि द एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन शोन बाय क्रोमियम एंड कॉपर अमंग 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स ड्यू टू एनोमलस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। क्रोमियम और कॉपर क्यों शो करते हैं, तो वो स्टेबिलिटी एसोसिएटेड विद दिस कॉन्फिगरेशन। देन नेक्स्ट है हमारे पास विच एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज ऑफ पीरियोडिक टेबल शो द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3D6 4S2, तो निकल शो करता है, ये वही हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। नेक्स्ट है हमारे पास परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट इज 33% हमारे पास नाइट्रोजन की होती है अमोनियम नाइट्रेट के अंदर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनहाइड्रेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फर 6 ऑक्साइड हमारे पास होता है एनहाइड्रेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देन नेक्स्ट है ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट प्रोसेस ऑफ H2SO4 सिंथेसिस द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। तो हमारे पास राइट आंसर है एन एक्सेस ऑफ एयर इज यूज टू डिराइव द इक्विलिब्रियम टू राइट साइड, हमारा राइट आंसर है। देन नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज जो गिवन है वो हमारे पास है द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया हैबर प्रोसेस इज रिवर्स्ड बाय रिएक्शन व्हाट शुड बी डन बाय इंक्रीज द यील्ड ऑफ अमोनिया इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अगर आप केमिकल इक्विलिब्रियम वाले टॉपिक में, हमारे पास एक हैबर प्रोसेस अमोनिया का एक पूरा टॉपिक है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रेशर शुड बी इंक्रीज करेंगे इस रिएक्शन के लिए। देन नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शो कंबस्टन ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो हमारे पास जो बीटा में जो ऑप्शन गिवन दिया हुआ है CH4 ऑप्शन में हमारे पास 4 ही ऑप्शन बनता है, लेकिन जहां से मुझे ये मिले हैं ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, उसमें हमारे पास B गिवन दिया हुआ है, तो बीटा इज राइट। Skeletal formula of organic compounds is given below. It is hydrocarbon. IUPAC name of compound is 3,4-dimethyl-3-hexene. अगर आप इसको पंजाब टेक्स्ट बुक में बोर्ड में हाइड्रोकार्बन्स के टॉपिक में देखेंगे तो उसमें ये हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर दिया गया है, उसके नीचे ही यही हमारे पास उसका जो IUPAC नेम लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर कैन बी सिस ट्रांस आइसोमर टू एच। ये तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास UHS और एंड बोथ नम्स के लिए CH3CH3CH3CH3CH3CH3CH3CH3CH3CH3 हमारा राइट आंसर इज 4। देन कंसिडर द रिएक्शन बिलो, ये हमारे पास रिएक्शन दिया गया है CH3CH2BrKOH अल्कोहलिक KOH वाला रिएक्शन हमारे पास गिवन दिया गया। ये E2 एलिमिनेशन रिएक्शन E2 को शो कर रहा है हमारे पास। अगर आप बुक में जाकर देखें तो उसमें हमारे पास जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड्स का जो टॉपिक है उसमें हमारे पास E2 रिएक्शन है, उसमें हमारे पास ये रिएक्शन गिवन दिया हुआ है। द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CBr 290 किलोजूल पर मोल हमारे पास इसका राइट आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल BF3। ये तो UHS का भी मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है कि नीचे दिए गए में से कौन सा हमारे पास न्यूक्लियोफाइल नहीं है, तो BF3 इज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। देन नेक्स्ट है हमारे पास विच और वन ऑफ द फॉलोइंग एप्रोप्रिएट इंडिकेशन ऑफ पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो येलो क्रिस्टल हमारे पास NaOH की मौजूदगी में हमारे पास येलो क्रिस्टल्स बनते हैं आइडोफॉर्म में। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर क्लासिफिकेशन अबव फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास नहीं दिया गया है तो इस ऑप्शन को हम स्किप कर देते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ब्रोमिनेशन। तो हमारे पास अगर फिनॉल अल्कोहल एंड फिनॉल में अगर आप PTB के बुक में अगर आप एंड पे जाके अल्कोहल एंड फिनॉल के टॉपिक में फिनॉल का जो टॉपिक है उसके एंड पे हाइड्रोजनेशन का निकल की मौजूदगी में जो निकल की मौजूदगी में जो हम करवा रहे हैं उसके ऊपर अगर आप ब्रोमाइन वाला टॉपिक देखेंगे तो उसमें हमारे पास ये ब्रोमाइन की स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें हमारे पास वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो यही हमारे पास है कि 3 ब्रोमाइन के मॉलिक्यूल एंड 1 OH। देन नेक्स्ट है विच वन फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द अबव कंपाउंड। तो पिक्रिक एसिड हमारे पास फिनॉल के ही जब हम नाइट्रेशन करवा रहे होते हैं तो पिक्रिक एसिड बनता है। ये भी हमारे पास फिनॉल के ही टॉपिक में गिवन है, तो पिक्रिक एसिड इज द। अगर हमारे पास हाईली एसिडिक पूछे तो वो भी पिक्रिक एसिड या ऑप्शन में, ये भी UHS में आया होगा हाईली एसिडिक हमारे कौन सा नीचे दिए गए में से, तो वो पिक्रिक एसिड उसका राइट आंसर होता है। अगर पेपर में आ जाए तो आप पिक्रिक एसिड क्लिक कीजिएगा। देन नेक्स्ट है इट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ 2,4-डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये भी फिनाइल के ही टॉपिक में हमारे पास मिलेगा। अगर आप पिक्रिक एसिड के टॉपिक में देखेंगे तो उसके ऊपर ही हमारे पास ये लिखा हुआ है। देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग IUPAC नेम ऑफ द गिवन। तो मेथनल का यहाँ पे गिवन स्ट्रक्चर दिया गया था। Then next है, which of the following test is given by both aldehyde and ketone? 2,4-D and pH test ये हमारे पास both ketone भी देता है और aldehyde दोनों ही ये test देते हैं. Then next है कि ऊपर दिए गए CH3COOH, CH3CH2OH ये हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए कैटालिस्ट इन द अबव रिएक्शन. तो ये हमारे पास एस्टारिफिकेशन रिएक्शन दिया गया है, तो इसमें हमारे पास H2SO4 बीटा इज राइट, हमारे पास राइट आंसर होगा. देन नेक्स्ट है कि CH3COOH PCl5 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन. ये तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है हमारे पास UHS का, कि POCl3 प्लस CH3COCl प्लस HCl, ये हमारे पास राइट आंसर है. देन नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिवर्सिबल. तो स्टाइरिफिकेशन रिएक्शन हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा होता है. अगर आप जाकर पीटीबी की बुक में जाकर देखेंगे कार्बोक्सिलिक के टॉपिक में स्टाइरिफिकेशन रिएक्शन में, तो वहां पे हमारे पास 2 एरर्स को शो किया गया है. 2 एरर्स को शो करना हमारे पास यही है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करता है. देन नेक्स्ट है सिलेक्ट द बेस ऑप्शन इंडिकेटिंग द नेम ऑफ द. तो इंटरनल सॉल्ट है ये भी हमारे पास. अगर आप पीटीबी के कार्बोक्सिलिक एसिड में अमाइनो एसिड का टॉपिक जाकर देखेंगे तो उसके स्टार्ट पर ही इंटरनल अमाइनो एसिड, जिसको हम ज़िवेटर आयन की भी एग्जांपल देते हैं, जो हमारे पास फंडामेंटल केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमारे पास गिवन स्ट्रक्चर है उसको भी इंटरनल सॉल्ट ही कहते हैं. तो अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी देखना चाहें तो वहां पे पूरा डेफिनेशन भी दी गई है, उसका स्ट्रक्चर भी गिवन है इंटरनल सॉल्ट का. देन नेक्स्ट है हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज, विच एसिड इज एडेड टू एन अमाइनो एसिड विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्ट एज ए बेस. तो COO हमारे पास बेस की तरह एक्ट करती है. देन नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो हमारे पास है कि ये जो हमारे पास पूरा एक रिएक्शन दिया गया है के वैल्यूज का, तो इसका हमारे पास हमने ऑर्डर ऑफ बताना था. तो CCl3COOH प्लस CHCl2COOH CH2Cl3COOH, तो हमारे पास लास्ट पर CH3COOH, हमारा राइट आंसर ये अल्फा है. देन नेक्स्ट है हमारे पास जो है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर वेदर हार्ड टू रिड्यूस, विच पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी यूज टू कन्वर्ट करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अल्कोहल. तो हमारे पास राइट आंसर ये बीटा में ही LiAlH4, यही हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल को के ये यूज होता है. देन हमारे पास जो स्ट्रक्चर गिवन दिया गया था तो वो डाइपेप्टाइड का दिया गया था. अगर आप अमाइनो एसिड के टॉपिक को, लेकिन आपको अमाइनो एसिड का टॉपिक करने की जरूरत नहीं, बट एक मतलब अच्छे से उसको पढ़ लेना. में भी अगर एक क्वेश्चन अगर आपको आउट ऑफ सिलेबस भी आ गया तो आप उसको कर पाए. देन नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग अमाइनो एसिड इज बेसिक इन नेचर. तो लाइजीन हमारे पास नेचर में बेसिक होता है. देन नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर शो द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ ग्लूटामिक एसिड. तो पहले भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर ग्लूटामिक एसिड का आया था, फर्स्ट जो क्वेश्चन था हमारा, और यही भी हमारे पास ग्लूटामिक एसिड का करेक्ट फॉर्मूला पूछा गया है. तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अमाइनो एसिड का जो हमारे पास एक चार्ट पीटीबी में गिवन है टेबल पूरा, उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा. देन नेक्स्ट है हमारे पास सिलेक्ट द ज़िवेटर आयन. तो ये हमारे पास ज़िवेटर आयन दिया गया है. अगर आप इसको पीटीबी में कार्बोक्सिलिक एसिड में जाकर देखेंगे या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो हमारे पास जो टोटोमेरिज्म की एग्जांपल होती है वही ज़िवेटर आयन होती है. तो आप अच्छे तरीके से वहां से कर लीजिएगा. How many next MCQs are how many moles of sodium are present in 0.1 grammage of sodium? तो 4.3 is into 10 की पावर -3 हमारे पास राइट आंसर है. द स्ट्रक्चर फॉर्मूला Aln, ये भी हमारे पास अमाइनो एसिड के टॉपिक में से आ गया है. तो मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया है कि आप अमाइनो एसिड के टेबल को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा. देन नेक्स्ट है कि With the help of spectral data given, calculate the mass of neon in circle the best option. तो हमारे पास नीचे दिए गए परसेंटेजेस कुछ दी गई हैं, तो उनको देखकर गिवन हमें 20.18 mu हमारा राइट आंसर है. The next which of the following pair has the same electronic configuration as possessed by neon है neon 10. तो हमारे पास डेल्टा में ही राइट आंसर के सोडियम एंड फ्लोरीन हमारा राइट आंसर. द नेक्स्ट इज इफ द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट टेम्परेचर 600 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर ऑफ 1.05 into 10 की पावर माइनस 5 न्यूटन स्क्वायर इज 60 डेसीमीटर क्यूब व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. तो हमारा राइट आंसर है 51 सेंटीमीटर क्यूब. द नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास देयर आर फोर ऑर्बिटल एस पी डी एंड एफ विच ऑर्डर इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इंक्रीजिंग एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स. तो हमारा राइट आंसर है SPDF हमारा राइट आंसर है. द नेक्स्ट है विच ग्राफ रिप्रेजेंट बॉयल्स लॉ. अगर आप गैसेस के टॉपिक में जाकर बॉयल्स लॉ के अगर आप ग्राफ्स को देखेंगे तो उसमें हमारे पास एक ग्राफ दिया गया, तो उस ग्राफ्स को अच्छे तरीके से उसको रीड कर लें क्योंकि उनमें से एक ना एक क्वेश्चन आ जाता होता है या पूछ लिया गया होता है कि प्रेशर किस में कांस्टेंट है. तो अच्छे तरीके से बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, जितने भी लॉज हमारे पास गैसेस में दिए गए उन सबको अच्छे तरीके से और उनके डेफिनेशंस, उनके फार्मूलाज एंड उनके जो हमारे पास यूनिट्स एंड उनके ग्राफ दिए गए उनमें से हर साल एक ना एक क्वेश्चन रिपीट हो जाता होता है. द नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास विच ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्ग. तो हमारे पास बीटा में ही राइट आंसर दिया गया है. Then next है the half life of N2O5 at 0.0 degree Celsius 24 hours. How long will it take for sample of N2O5 to decay 25% of its original concentration. ये भी पीटीबी की बुक लाइन है, तो इसका राइट आंसर डेल्टा 48 minutes. Then next MCQ is that when the change in concentration is 6 into 10 की पावर माइनस 4 मोल डेसीमीटर क्यूब and time for the change is 10 second the rate of reaction will be 6 into 10 की पावर माइनस 5 मोल डेसीमीटर क्यूब सेकेंड. ये हमारे पास मोस्ट रिपीटेड MCQs है नम्स का. देन मोस्ट रिपीटेड MCQs है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द स्मॉलेस्ट रेडियस. तो सिलिकॉन 4 हमारे पास राइट आंसर है जो हमारे पास स्मॉलेस्ट रेडियस ऑक्यूपाई करता है. Then next MCQ हमारे पास keeping in view the size of atom which order is correct. तो lithium, beryllium का जो हमारे पास यहाँ पे डेल्टा में ऑप्शन गिवन है यही हमारे पास राइट आंसर है. The next MCQ हमारे पास on the basis of oxidizing power of halogen which reaction is positive. तो हमारे पास जो चार्ली में ऑप्शन गिवन है ब्रोमाइन का, तो हमारे पास यही राइट आंसर है. And then next MCQ है which of following gas is used as a mixture for breathing by sea divers. तो हमारे पास right answer helium and oxygen है. The next MCQ है कि ये हमारे पास transition elements में से पूछा गया. ये हमारे पास एक formula given है कि ये कौन सा light को transmit करता है. तो ये yellow light absorb करता है लेकिन ये transmit करता है red and blue light. अगर आप इसको transition element में interstitial compounds के ऊपर देखेंगे तो वहीं पर हमारे पास ये formula given है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गोल्ड की पूछ ली गई है, तो हमारे पास गोल्ड की 6s1 लास्ट पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे तरीके से याद करने का यही तरीका है कि उसके लास्ट पर जो हमारे पास दो होते हैं जैसे कि गोल्ड के 5d10 एंड 6s1. इन दोनों को हर एलिमेंट के ना लास्ट पर दोनों को याद कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपका टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा या आप कैलकुलेशन से भी कर सकते हैं. अबाउट 80% of ammonia is used for the production of fertilizers. Then next urea is most widely used nitrogen fertilizer in Pakistan. Its composition N2H4CO. हमारे पास right answer है. Then next MCQ है हमारे पास ली चैटर प्रिंसिपल का पूछा गया है, तो इसमें हमारे पास सीधा ये होता है कि रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर. ये हमारे पास यही चीज याद करने के लिए होते है, भला कोई भी रिएक्शन दे दिया जाए तो ली चैटर प्रिंसिपल यही है कि रिएक्शन मस्ट बी कैरिड आउट एट लो टेम्परेचर. देन नेक्स्ट एमसीक्यू था हमारे पास जो गिवन है कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज NH3NO3. तो 35% हमारे पास गिवन है परसेंटेज नाइट्रोजन की. फिर हमारे पास स्ट्रक्चर देखी गई है द स्ट्रक्चर फॉर्मर 2, 3, 4 ट्राइमिथाइल पेंटेन. ये भी अगर आप हाइड्रोकार्बन्स के टॉपिक में जाकर देखेंगे तो उसमें ये ऑप्शन ये एमसीक्यूज गिवन है जो मोस्ट रिपीटेड है. Then next है, which of the following is a powerful electrophile used to attack on the electrons of benzene ring? तो Cl पॉजिटिव हमारे पास, क्लोरीन पॉजिटिव हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल, पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है हमारे पास. Then next ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछ ली गई है. ये अगर आप हेलाइट्स के टॉपिक अल्काइल हेलाइट में जाकर देखेंगे तो वहां पे आयोडीन, ब्रोमाइड, क्लोराइड एंड देन लास्ट पर फ्लोराइड आएगा. Then next are the given three hydrocarbons are benzene, naphthalene, anthracene. जिसका हमने बताना है कि ये कौन से है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में आएंगे. ये थे हमारे पास मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हमारे पास नम्स केमिस्ट्री के. आई होप मैं आपको अपनी बात समझाने में कामयाब रहूंगा. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ नम्स केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू शेयर करना ना भूलिएगा. फिर मिलते हैं कि इसी केमिस्ट्री के मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज के पार्ट 2 वीडियो में. खुश रहें, खुश रहने दें. अल्लाह हाफिज.